बहरहाल पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार सहित हथियार बनाने की सामग्री की जब्त। शिवपुरी जिले की बैरड़ थाना पुलिस ने नरैया खेड़ी गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर अवैध हथियार बनाने की सामग्री सहित अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से हथियारों को कहां बेचते थे और अब तक कितने हथियार बनाकर बेच चुके हैं इस बात की पूछताछ कर रही है। पोहरी SDOP सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि बैरड़ थाना प्रभारी मनोज राजपूत को सूचना मिली थी नरैया खेड़ी में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक पुलिस टीम बनाकर गांव में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस ने नरैया खेड़ी गांव के बाहर बनी पाटोर में घुसकर देखा तो दो लोग अवैध हथियार देसी कट्टा बना रहे थे। दोनों को पकड़ा तथा दोनों के कमर में 1-1 .315 बोर का कट्टा तथा 1-1 जिंदा राउंड जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त पाटोर में से एक लोहे की फनर ग्राउंड मशीन, एक लोहे की ड्राई, एक बसूला, एक बेल्डिंग मशीन, लोहे की दो सुम्मा, 3 छैनी बेल्डिंग करने की रॉड का पैकेट व 315 बोर के कट्टे, 3 तथा 2 जिंदा राउंड जब्त किए गए। पुलिस ने नरैयाखेड़ी गांव में के रहने वाले मोकम रावत और खरई जालम के रहने वाले भोलू रावत को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। SP सर द्वारा प्रभुपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई कराने के निर्देश दिए जा रहे थे, उसी निर्देश के पालन में आज बैराड़ पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस TI जो है वहाँ वर्तमान में जो नवीन पदस्थ हुए हैं उनके द्वारा एक जो अवैध हथियार बनाने का जो उपक्रम है, फैक्ट्री है, उसको उन्होंने वहाँ ट्रेस किया है। उसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे मसूल का जब्त हुआ है। इसमें उनके यहाँ जब रेड डाली गई तो उस रेड की कार्रवाई में कुल 5 वेपन 315 बोर के ये वहाँ से जब्त हुए हैं। इसके साथ साथ में जो अवैध हथियार बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, उसमें मशीन और बनी हुई जो आदि बनी हुई जो नाल वगैरह हुआ पड़ी हुई थी, वो सबको सामग्री को जब्त किया गया। कुल 5 जिंदा कारतूस भी जब्त हुए हैं और इसमें भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि हथियार ये कब से वहाँ बना रहे थे और इसके साथ साथ में हथियार कहाँ कहाँ सप्लाई किए गए हैं। इसमें आगे जो चैन डेवलप होगी उसमें हम आगे कार्रवाई भी करेंगे।